हेलो एवरीवन, दिस इज डायमंड। आई वेलकम यू इन माय न्यू व्लॉग। और आज हम सुबह सुबह निकल चुके हैं गाड़ी में विद एक्स ज्ञान एंड विद दियांशी। और मैं गाड़ी चला रहा हूँ, वैसे अभी चलाते टाइम व्लॉग करना नहीं चाहिए, लेकिन आई एम हैवी ड्राइवर है ना। अबे साले तभी तो वेट है ना। तो आज है तारीख हमारे 27th और आज है फ्राइडे और अभी हो रहे हैं सुबह के साढ़े सात ही बज रहे हैं अभी, तो मतलब 7:40 अराउंड टाइम हो रहा है। और हम लोग निकल रहे हैं कहीं के लिए, जो कि मैंने आपको ब्लॉग में बताया भी है कि मैं कहीं जा रहा हूँ। अब हम कहीं पे भी निकल सकते हैं, मथुरा, दिल्ली और जो मैंने आपको आगरा, आपको मैंने 3-4 लोकेशंस बताई थी, हम कहीं के लिए भी निकल सकते हैं। तो अभी बस आ चुके हैं घर के बाहर, अभी कुछ सामान पेंडिंग रह गया था थोड़ा बहुत, तो वो लेने के लिए आए हुए हैं। लेकिन हमको यहाँ पे दुकान बंद मिली है, हाँ दुकान बंद ही है। तो अब वापस से सीधा घर पे जाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ बस में और हमने क्या क्या सामान रखा है, हम क्या क्या करने वाले हैं। वैसे हम हैं 17 मेंबर्स इंक्लूडिंग सब बड़ाज एंड बच्चाज, तो ये है, ये बात है कि 17 के आसपास हम लोग हैं, तो मज़ा उसी लेवल का आने वाला है। हम पहले जाएंगे मंदिर, फिर मंदिर दुर्बलनाथ जी के मंदिर बांदीकुई, जो कि आपने मेरे पहले वाले ब्लॉग्स में देखा होगा, फिर वहाँ पर जाके हम जाएंगे आभानेरी, फिर वहाँ से डिसाइड करेंगे कि हमको दिल्ली जाना है या फिर हमको आगरा की तरफ निकलना है, ये वहाँ पे जाके पता लगेगा, अभी कुछ नहीं पता। अभी तो चल रहे हैं बस हम बस, और वो है मतलब हमारा जो होटल वाला है वो भी नोन है, इसलिए हम सीधा चल दिए, कहाँ के लिए भी निकल जाएंगे कहीं के लिए भी। वो कंपलसरी नहीं है कि हमको होटल मिलेगी नहीं मिलेगी, वो तो मिल जाएगी, मतलब हमको तो हमारी जानकारी है और बस वाला भी हमारा नोन था इसीलिए। तो चलो फिर चलते हैं, मैं आपको सीधा बस में मिलता हूँ। सब्सक्राइब टू विदित व्लॉग्स। ओके नहीं बोलो, सब्सक्राइब टू विदित व्लॉग्स, आप भी बोलो। कर देना, चलो क्या कर देना, डिसलाइक कर देना, देखो हट, अरे सब्सक्राइब कर दो। गाइस ये रही हमारी बस, नंबर प्लेट देख लो आप, हमारी गाड़ी नहीं है इसलिए नंबर प्लेट दिखा रहा हूँ। पीछे ये सारे बैठ चुके हैं। ओके है तो होने को तो एसी बस है, पीछे हम लोग यहाँ पे बैठेंगे, यहाँ पे हमने ये बेड वाली मंगवाई है, सोफा वाली एंड सीट पे सोफा है। यहाँ पे सारा लगेज रखा है नीचे, हाँ। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर, यानी दुर्बलनाथ जी के मंदिर। ये मैंने जगह आपको बताई थी, यहाँ पे डोम बना हुआ है, यहाँ पे डोम जैसा बना हुआ है, हम यहाँ पे आए हुए हैं अभी, थोड़ा बैठे छाया हुआ है हमें वहाँ पे मंदिर में, सब लोग पूजा वूजा और ऐसी जस्ट अभी आए हैं, थोड़ी देर में बस 2-5 मिनट में हम निकलने ही वाले हैं। ये प्रांजल भैया, थोड़ी देर में हम निकलने ही वाले हैं यहाँ से, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो तीसरी बार दिखाता हूँ मैं आपको, वैसे तो 2 बार पहले भी दिखा चुका हूँ, तीसरी बार दिखाता हूँ, कुछ देख के आप मतलब जान पा रहे होंगे कि हम लोग कहाँ आए हैं मंदिर का, थोड़ा बहुत देख के अरे रास्ता वास्ता देख के आप जान गए होंगे। यहाँ पे है हमारे दियांशी और ये एक्स ज्ञान। तो एक्स ज्ञान बोल दो कि अब हम दूसरी लोकेशन पे जाके मिलते हैं आपको। अभी हम लोग जा रहे हैं आभानेरी, जो कि एक चांद बावड़ी, पता नहीं क्या होता है, मैंने भी पहली बार सुना था नाम, जाके देखते हैं क्या चीज़ है, चलो दिखाते हैं आपको, चलो। हाँ तो भाई हम लोग मंदिर जाके आ चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं आभानेरी। अभी हम सब लोग बस हम तीनों ही बैठे हैं, बाकी वो सामने खड़े हुए हैं, सारे लोग सामने खड़े हुए हैं, वहाँ पे दिख रहे होंगे आपको, हाँ हम चारों यहाँ हैं, दिव्यांशी भी है। तो चलो चलते सीधा आभानेरी मिलते हैं। ये मेरा यूट्यूब चैनल चुरा लिया गया है, वहाँ पे वो बस रुकी है, सब लोग उतर रहे हैं, धीरे धीरे पहुँच चुके हैं हम लोग। वैसे आभानेरी ऐसा कुछ दिखता है, अभी देखते हैं, पता नहीं यहाँ पर टिकट लेना होगा हमें या फिर ग्रीनरी तो बहुत अच्छी कर रखी है इन्होंने। अभी आगे जाके देखना पड़ेगा कि उसमें पानी भी होगा नहीं होगा, क्योंकि आज इस बार राजस्थान में थोड़ी ठीक ठीक बारिश हुई है, हो सकता है पानी हो, यहाँ पे जरूर पानी है। धीरे 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 चलना पड़ेगा। वैसे आज से पहले कभी आए नहीं है, सुना है कि यहाँ पे एक गहरा सा कुंड टाइप का होता है और ये सारी चीज़ें, ये शायद टिकट काउंटर या कैंटीन वैंटीन होगी कुछ। वहाँ से देखो कितना बड़ा एरिया, ये यहाँ का पूरा पूरा एरिया। अब हमको जाना किधर यही नहीं पता, हम लोग आ तो गए घूमने, हाँ किधर जाना है अपन को, यहाँ जाना है इधर, एक मतलब एक कुआं टाइप में है, बहुत ही टूरिस्ट प्लेस है। अरे वो है यार, अरे हाँ वो है, गाइस वो बता रहे हैं, नहीं अरे वो नहीं है बावड़ी, वो नहीं है, अरे वो बावड़ी नहीं है यार। अभी हमको ये कंफ्यूजन है गाइस कि हमको जाना कहाँ है,
पता ही नहीं है। ये गार्ड सर बैठे हैं, इनको पूछ लो। गार्ड सर ये वो एक्स ज्ञान, लाइक कर दो लाइक। एक्स ज्ञान सर जा तो रहे हैं, अब पता नहीं लेकिन कहाँ पे मिलेगा ये हमको। यहाँ से चल्लू होती है शायद, इसकी एंट्रेंस पता नहीं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, स्टॉप करके पढ़ लेना अगर पढ़ना पढ़ने का इतना इंटरेस्ट। तो ये फोटोग्राफी चल्लू हो चुकी है इनकी, सर जी की हमारे। एंट्रेंस टिकट कहाँ पे, कहाँ से मिलेगा टिकट? यहाँ टिकट लेना पड़ेगा क्या? टिकट विंडो है, यहाँ से टिकट लेना होगा हमें। कितने का टिकट है मैं आपको बताता हूँ, 25 का टिकट है, 25 रुपीस का एक सिंगल टिकट है। इसमें एक मेंबर अलाउ होगा और इसके अंदर है बावड़ी जो भी है दिखाने का। तो चलो मैं सीधा अंदर जाके दिखाता हूँ। यहाँ से एंट्रेंस है गाइस, ये देखो हमने टिकट विकेट ले लिए। यहाँ पे ऐसा हेरिटेज लुक दिया है ये सब कुछ। यहाँ पे ऊपर देखो गार्ड अंकल बैठे हैं, यहाँ पे टिकट काउंट हो रहे हैं। हाँ हमको कुछ कुछ नज़ारे दिख रहे हैं बावड़ी के। चले हम चले, अरे सिट रुकना यार, ये बहुत ज्यादा स्लांट है, बिल्कुल स्लो पे भागते हुए चलो। ये रही वो बावड़ी, वाह वाह, ये है गाइस चांद बावड़ी। ये देखो वाह, मैसिव। ओ फंगी, ओ फंगी, ओ फंगसाइड, फंगिसाइड। ये देखो पानी में यहाँ पे एक ग्रीन ग्रीन फंगिसाइड जमा हुआ है, फंगिसाइड जमा हुआ है। यहाँ पे सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ नीचे उतर के जा सकते हैं। ये महल वहल है जो भी है, सब कुछ ऐसा कुछ बनाया हुआ है आस पास। ये देखो सर, ये सारे मेरी एक्टिंग कर रहे हैं। बहुत बड़ी सी जगह है थोड़ी। तो बात कर रहे थे इस बावड़ी के बारे में। इस बावड़ी को इसलिए बनाया गया कि दो नदी के बीच में, ताकि नीचे से पानी आता रहे और ऊपर का पानी। एक तो बाणगंगा नदी है इधर लेफ्ट साइड, राइट साइड सावन नदी, तो दो नदी के बीच होने से नीचे से पानी आता है और ऊपर का पानी बरसता है। तो बिना पानी के बावड़ी देखी नहीं। तो जैसे जैसे बरसात आएगी ना, वैसे वैसे पानी का लेवल ऊपर आएगा। तो इसमें 20 मीटर गहरी बावड़ी है, मतलब 20 भी ज्यादा बता दिया, मतलब 19.5 ही एक्यूरेट, क्योंकि एक लेवल डूबा हुआ है। तो इसमें 13 लेवल था टॉप टू बॉटम, तो 12 लेवल नजर आ रहे हैं। ये बाथरूम है मेंस के लिए, जहाँ 3 विंडो दिख रही है, कबूतर बैठा बीच में, बाथरूम फॉर मेंस के लिए, उधर वीमेंस के लिए, ऊपर छोटे छोटे रूम से कपड़े बदलने के लिए चेंजिंग रूम, और ऊपर का जो आप हिस्सा देख रहे हो एयर कंडीशनर नेचुरली ऐसे कि जैसे जैसे हवाएं चलेंगी गर्मियों में तो पानी के संपर्क आने ठंडी हो जाएगी। फुल्ली नहीं केवल अपनी आर्किटेक्ट के लिए जानी जाती है बावड़ी, चांद बावड़ी, बल्कि अपनी आर्ट एंड आर्कियोलॉजी। और चौथा जगह का नाम आवानेरी। तो आवानेरी से मायने ये लगाया गया कि चांदनी रात में जब चांद चमकेगा दमकेगा आवा देगा, इस वजह इसका नाम पड़ा आवानेरी। अभी नेशनल प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट घोषित किया इसको 1958 में, उससे पहले इसको यूज में लेते थे। अब यूज में इसलिए नहीं लेते कि अब गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी होगी कुछ गवर्नमेंट, अभी 3 साल पहले टिकट शुरू कर दिए। टिकट लगने के बाद भारत सरकार ने इसको खुद के एक और कर लिया, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने। पहले क्या प्राइवेट था कि नहीं, तो पहले 1958 से पहले प्राइवेट था, ऐसे था लावारिश, इसका कोई नहीं होता। अब सरकार ने ये चौहान मस्जिद राजा चंद्र, चंद्र से नाम पड़ा चांद। किसने बनाई थी? बोलता रहा हूँ, चौहान मस्जिद राजा चंद्र, चंद्र से चांद पड़ा, इसलिए इसका नाम पड़ा चांद बावड़ी। कभी पूरी भरी की पूरी नहीं भरी, जहाँ नीचे रेलिंग लग रही है ना वहाँ तक।